जय हिंद साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि देवस्थानम बोर्ड जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, जिसके अंतर्गत 51 मंदिरों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें हमारे चार धाम भी है। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, माँ यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, यहाँ के मंदिरों को इन्होंने अधिग्रहित करा है और एक मास्टर प्लान लागू करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। इसके तहत इनका काम ये है कि किस प्रकार से वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी बात को ना सुना जाए, और इसी वजह से तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है आज सरकार के पिंड दान से। ये ब्राह्मण समाज है उत्तराखंड का, जिसको खंडित करने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार। प्रचंड बहुमत अगर इन्हें मिला तो इसीलिए मिला क्योंकि इन पंडित पुरोहितों ने भी इन्हें समर्थन दिया था, परंतु जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड बनाने के बाद इन्होंने ये कहना शुरू किया, इन्हें यह लगा कि इनके अधिकार छीने जा रहे हैं। ना केवल मंदिर को अपने कंट्रोल में किया है सरकार ने, परंतु इसके अलावा वहां पे जो पंडित पुरोहितों ने अपने धर्मशाला बनाए हैं और कंस्ट्रक्शंस किए हैं, उन्हें तोड़ने की तैयारी है। वहां की खूबसूरती को ठीक करने के लिए, वहां के सौंदर्यकरण के नाम पर, और इसी का विरोध कर रहे हैं हमारे पंडा पुरोहित। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, माँ गंगोत्री के धाम और माँ यमुनोत्री के धाम पे क्या ईश्वर माफ करेगा अगर आप गुफाओं को वीआईपी गुफा बना के वहां टॉयलेट बनाकर केवल बड़े लोगों के लिए बनाए, ताकि वहां पे ये जो आस्था के केंद्र है, क्या ये पर्यटन स्थल केवल बड़े लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है? देश में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल अमीर लोगों के लिए सब चीजें हैं और बाकियों के लिए कुछ नहीं, और इसमें जो मिडिल क्लास है वो भी आता है। आप मुझे बताइए कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते रहे इन धामों में, ईश्वर की आराधना करते रहे, हमारी आस्थाओं का ये केंद्र जो है यहाँ पे, अगर ये लोग ना होते तो इन जगहों का संरक्षण कैसे किया गया होता? आज क्योंकि उत्तराखंड एक अलग राज्य है, उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने पंडित पुरोहितों के साथ अन्याय होने दे? आज सरकार का पिंडदान किया गया चारों धामों पे। आज मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ बाबा बद्री विशाल के धाम से। वहां के पंडित पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में सामूहिक पिंडदान किया, और वहां पे उन्होंने जिस प्रकार से ये किया है, आपको बता दूं कि देवप्रयाग के संगम घाट पर बद्रीनाथ धाम के पुरोहितों ने सरकार और देवस्थानम बोर्ड का सामूहिक पिंड दान किया, और बड़ी संख्या में थे जो तीर्थ पुरोहित हैं, वे इकट्ठा हुए, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मौके पर चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं कृष्णकांत कोटियाल जी, उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने ये कहा कि देवस्थानम बोर्ड का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार धर्म अनुरागी लोगों के साथ उनका मान नहीं रख रही है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं मंदिरों की, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है और वे इसका भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सरकार को अपनी हट धर्मिता छोड़ देनी चाहिए, ताकि तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारी का मान सम्मान बना रहे, वरना वे सड़कों पे उतरेंगे। जी हाँ, इस मौके पर कोठियाल जी के साथ
और भी जो तीर्थ पुरोहित मौजूद थे बद्रीनाथ धाम में, उसमें अशोक टोडरिया जी, विपुल सवासेर, प्रमोद टोडरिया, भास्कर पुरोहित, राहुल कोटियाल, सोहन लाल ध्यानी, विनोद बडोला, नीरज पंत, दिनेश प्रयागवाल, संतोष भट्ट, कैलाश जोशी, सत्यनारायण कोटियाल और तमाम लोग इकट्ठे थे। और आपको बता दूं कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर भी तीर्थ पुरोहितों और धर्म अनुरागी लोगों ने देवस्थानम बोर्ड का सामूहिक पिंडदान दिया। इस मौके पर जो तीर्थ पुरोहित वहां मौजूद थे, उन्होंने राज्य सरकारों पर धामों की व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। यहां दिखाना चाहती हूं आपको कि किस प्रकार से बद्रीनाथ धाम में पिंडदान किया गया सरकार का। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत की, भाजपा की, उत्तराखंड सरकार का। तन्नी तन्नी बैठन विरोधी केवल ये नहीं है, मैं अब आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ वो तस्वीरें हैं सीधे केदार बाबा के द्वार से, केदार बाबा के आंगन में। आप देखिए कि वहां पे जो केदार सभा के अध्यक्ष है पंडित विनोद शुक्ला जी, वे वहां मौजूद थे, आचार्य संतोष त्रिवेदी जी वहां मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। देखिए कि किस प्रकार से पिंड दान किया गया केदार बाबा के द्वार पे, उनके आंगन में, इस भारतीय जनता पार्टी की धर्म अनुरागी लोगों के विरोधी, ब्राह्मण विरोधी सरकार का। नमः प्राणे पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत महाप्रसुत आद्य ब्रह्मण क्षेत्र प्रार्थे श्री सतहावर कल्पे वैभस्म मंत्रे अष्टारभिस्तम युगे कलयुगे कृपम चले जम्मूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्य आर्यभद्र क्षेत्र अलकनंदार मंदाकिनी मध्ये भू वैकुंठ क्षेत्र भगवान श्री केदारनाथ क्षेत्रे तथा श्री भूकुंड भैरवनाथ सन्नीत्यो वंत निर्समीप्यां स्वर्गद्वारी वधुगंगा दुधुगंगा
तथा च प्रमादीनां सम्मस्वा मासांगतमासे महामंगलमासे भाद्रपद अश्विनमासांतर्गत शुभ मासांतर्गत शनि मासांतर्गत शपण तिथियोनां तृतीयानां तिथि तथा च गुण विशिष्टां स्वादे स्वादित महामार्य प्रपद उत्तराखंड सरकार है ना ये गोतरणा गायत्री भारतीय स्वरूपणी माता में प्रमाता में फिर प्रमाता वही अन्य पिता स्वाद समिति तम तृप्त पूर्वक मन मोक्ष वैकुंठ धाम प्राप्त हेतु श्री केदारनाथ धम धाम पितृ तर्पण तथा पिंड दान अहम करिष्ये दहते मना होते हरि ही ओम ओम पवती धारिय नाथी बोल तथा जी लब्ध पिंडम जैसो अमृत कल्पो पिंडम तची सदा सप्त मनुष्य आया गए चतुर्थी दीजिए वे प्रत्यक्ष ओम शनका त्रिपिंचाम त्रिपिंचाम जन्म जन्म बोल तो दोनों हाथ में हरि ओम ओम शनका त्रिपिंचाम फिर से देखिए आचार्य संतोष त्रिवेदी जी को केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में 93 दिन हो गए हैं उन्हें अर्ध नग्न अवस्था में विरोध दर्ज करवाते हुए, पर सरकार के कानों पे जू भी नहीं रेंगी है कि जाके इन लोगों से बात करी जाए। इतनी ठंड होती है केदारनाथ धाम में और ये बहुत मुश्किल है। जो जिस प्रकार से वे विरोध दर्ज कराने की कोशिश में लगे हैं और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार ना सुन रही है ना देख रही है ना कुछ इन लोगों को कह रही है। देखिए वापस लो मास्टर प्लान तीर्थ पुरोहितों की धर्मशालाओं से छेड़ना बंद करो वीरेंद्र रावत होश में आओ सतपाल रावत होश में आओ केंद्र सरकार होश में आओ हर हर महादेव। और इस विषय पे पंडित विनोद शुक्ला जो केदार सभा के अध्यक्ष हैं वो क्या कहते हैं उनकी बात भी सुनिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आचार्य संतोष त्रिवेदी जी को सभी लोग हम प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। लगभग 93 दिन से अपने अर्धनग्न अवस्था में अपने त्रिकाल संध्या में बैठे हुए हैं, लेकिन ये गूंगी सरकार फिर भी जो है वार्ता करने के लिए आगे नहीं आ रही है। और त्रिवेंद्र सरकार तो एकदम ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कि भैंस के आगे बीन
पीन बजाना। हम लोग सभी धामों में तीर्थ पुरोहित अपना धन्ना प्रदर्शन कर रहे हैं और त्रिवेंद्र जी कुंभकर्ण की नींद अभी भी सोए हुए हैं। मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं अभी भी कि इनको थोड़ा सद्बुद्धि मिले और ये वार्ता के लिए चारों धामों में तत्काल आएं, अन्यथा ऐसा आंदोलन करेंगे कि त्रिवेंद्र जी आप देखते रह जाएंगे और सड़कों में पूरी घाटी को उतारेंगे और आने वाले 2022 का जो चुनाव आ रहा है, त्रिवेंद्र जी आपकी सरकार ऐसी जाएगी कि कभी आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आप इतना अन्याय चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के साथ कर रहे हैं। एक तरफ तभी बोल रहे हैं मार्शल प्लान, तभी बोल रहे हैं आप लोग कि ये धर्मशालाएं छोड़ो यहाँ से और लोगों की धर्मशालाओं को चिन्हित कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और सरासर अन्याय है। हम लोग जो है आज हम लोगों ने अपने पूजा तप में बैठे रहना था, लेकिन क्या करें आपने मजबूरन हम चारों धामों के लोगों को जो है सड़क में उतार दिया है। बाबा आपको कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। जय श्री केदारनाथ। मैं तो केवल यही निवेदन कर सकती हूँ अपनी सरकार का कि ये हमारे जो ब्राह्मण हैं, हम देवभूमि में रहते हैं, हमें ब्राह्मणों का मान करना चाहिए और अगर ब्राह्मण कुछ कह रहे हैं तो उनकी आवाज को दबने ना दीजिए, उनसे बात करिए। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने सेवा करी है बाबा के द्वार पर और माँ गंगा, माँ यमुनोत्री, माँ यमुना माफ नहीं करेंगी अगर आपने आज इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी। बाबा बद्री विशाल क्या इस चीज को नहीं देख रहे होंगे? क्या बाबा केदार को दुख नहीं हो रहा होगा कि उनके जो भक्त हैं उनके साथ आज क्या व्यवहार हो रहा है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहकर, जब उत्तराखंड एक अलग राज्य नहीं था, जब उत्तराखंड में इतने लोग इन धामों में नहीं आते थे, उस समय सेवा करी। इनकी जो पिछली पीढ़ियां हैं वो यहाँ आई, बस गई और आज हम क्या कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार का कि वे इस मामले में हमारे इन तीर्थ पुरोहितों की बात को अवश्य सुनें।